अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मस्जिद निमरा में मौजूद हूँ जो अरफात के अंदर वाक़िया है। ये आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह बहुत वसी, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी मस्जिद है। इसकी तारीख कुछ इस तरह है कि यहाँ पहले एक पहाड़ी हुआ करती थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र यहाँ से हुआ। जब आप सल्लम का गुज़र यहाँ से हुआ, इस पहाड़ में एक लोंडी रहा करती थी जिसका नाम निमरा था। जब हजरत सल्लम को उसने देखा तो आपका नूरानी चेहरा उसको इतना पाया कि उसने आप सल्लम पर ईमान ले आई। उसके बाद आप सल्लम ने यहाँ इबादत करनी थी तो उस लोंडी ने आपके लिए उस जगह को साफ किया। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपनी इबादत की, उसके बाद उसको दुआ दी, ऐ निमरा मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि ता क़यामत तुम्हारा नाम ज़िंदा रहेगा। उस वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद निमरा रखा गया है। ये माशाल्लाह बहुत वसी मस्जिद है। यहाँ तकरीबन 3.5 लाख नमाजी नमाज अदा करते हैं। इसके कुल 6 मीनार हैं, 3 गुंबद हैं और तकरीबन 64 के करीब दरवाज़े हैं। हज के दिनों में सिर्फ ये खुलती है, आगे पीछे सारा साल ये बंद रहती है। यहाँ इसको मस्जिद अरफा भी कहा जाता है और इसको मस्जिद अरना भी कहा जाता है। ये रकबे के लिहाज से मस्जिद हरम के बाद दूसरी बड़ी इस सूबे की मस्जिद है। ज़ियाउल हक के दौर में यहाँ 1 लाख से ज़्यादा पौधे मंगवाए गए और पाकिस्तान से मिट्टी भी मंगवाई गई। ये आप पौधे देख रहे हैं, ये ज़ियाउल हक के दौर के यहाँ लगे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम।